गुम है किसी के प्यार में इस समय शोक में एक दिलचस्प मोड़ आया है। नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा स्टारर टीवी शो टीआरपी चार्ट पर राज कर रहा है। और कैसे, गुम है किसी के प्यार में लीप के बाद में ट्विस्ट ने दर्शकों को इस शो से हमेशा जोड़े रखा है। खैर, चल रहे ट्रैक से जुड़ा एक रहस्य है जो भविष्य के एपिसोड में सुलझेगा। अभी के लिए सई और विराट अलग हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या शर्मा उर्फ पाखी विराट के साथ चव्हाण निवास में रह रही है और चव्हाण परिवार के सभी लोग उन्हें मालकिन कहकर बुलाते हैं। और कुछ वक्त पहले ही ऐश्वर्या शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ फैमिली तस्वीरें शेयर की है, जिसकी वजह से एक्ट्रेस एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि तस्वीरों में ये तीनों यानी कि पाखी, विराट और विनायक काफी अच्छे लग रहे हैं। विनायक के लिए पाखी का प्यार उस तरह से झलकता है जिस तरह से वो उसे पकड़ रखी है। जब से ऐश्वर्या शर्मा ने इन तस्वीरों को ऑनलाइन शेयर किया है, तब से ये एंटरटेनमेंट न्यूज की चर्चा है। विनिंग आउटफिट में विराट और पाखी बहुत अच्छे लग रहे हैं और विनायक नारंगी रंग के कुर्ते में उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ऐश्वर्या शर्मा ने पोस्ट को कैप्शन देते हुए कहा, इन मुस्कानों के पीछे एक काला इतिहास है। ये गुम है किसी के प्यार में आने वाले ट्विस्ट के बारे में हिंट हो सकता है। ऐश्वर्या ने पहले शेयर किया था कि लीव के बाद दर्शकों के लिए बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। जबकि ऐश्वर्या ने तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट की, बहुत सारे नेटिजन्स ने उनके कमेंट सेक्शन को नेगेटिव कमेंट से भर दिया है। ऐश्वर्या शर्मा उर्फ पाखी टेलीविजन पर सबसे ज्यादा नफरत करने वाले कैरेक्टर्स में से एक है। और जैसे ही ऐश्वर्या ने इन तस्वीरों को पोस्ट किया, उसी समय गुम है किसी के प्यार में के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये भी कहा कि सिर्फ सई, विनू, विराट और सभी ही परफेक्ट फैमिली है। उनमें से एक ने लिखा, बकवास फैमिली और भी बहुत कुछ। लीव से पहले पाखी अपने लिए विराट और विनायक चाहती थी। अपनी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानने के बावजूद भी वो सैरोगेट मदर बन गई। उसकी सच्चाई सामने आने के बाद सई ने उसे जेल में डाल दिया था, जिसके बाद विराट ने पाखी को वापस घर में ला दिया था, जिसके बाद सई और विराट अलग हो गए थे। कुछ दिन पहले नील भट्ट उर्फ विराट से भी फैंस को नफरत हो गई थी। सभी उर्फ आर्या सकारिया ने ऑनलाइन नील भट्ट के साथ एक तस्वीर शेयर की थी और नेटिजन्स ने उनकी पोस्ट को भी विराट के लिए नफरत से भर दिया था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स पर जरूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।